हेलो गाइस, स्वागत है आपका पर्रा वर्ल्ड के भाग पाँच में। चार भाग ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए एवीएस के, और ये पांचवा भाग ले गया हूँ मैं। तो मैंने लास्ट में आपको बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। हम बात कर रहे थे क्लाइमेटिक फैक्टर्स की, ठीक है, जो जलवायु कारक हैं पर्यावरण और जीव समुदायों को जो प्रभावित करते हैं। तो हमने कई कारकों की बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे वायु की, ठीक है। तो वायु जो है, हमने प्रकाश की बात कर ली थी, ताप की कर ली थी, जल की, आर्द्रता की, इन सब चीज़ों की बात कर ली थी। तो वायु भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो पौधों की या जीव जंतुओं के विकास में, उनकी रचना में, ठीक है, उनकी स्थिरता में, हर चीज़ में जो है वायु का बहुत बड़ा हाथ है। तो इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में इसको कवर नहीं करूँगा, लेकिन जो प्रश्न जहाँ से सटीक प्रश्न बनते हैं वहाँ पर हम इसको जरूर देखेंगे, और आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहले ये आप बिल्कुल रट लो, ठीक है, हो सकता है सबको पता भी हो, इजी चीज़ है। वायुमंडल की गैसें कौन कौन सी होती हैं? तो वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण गैस होती है, सबसे ज़्यादा जिसका अनुपात होता है, वो नाइट्रोजन होती है, जो 78% के आसपास रहती है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है 21% के आसपास रहती है। उसके बाद होती है ऑर्गन, जो कि 0.93%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर प्रश्न में आ जाता है कि जल वाष्प, कभी कभी क्योंकि वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा भी पाई जाती है, तो जल वाष्प भी 0.05% से लेकर 1% तक रहता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो उसमें तो नाइट्रोजन होगा हमेशा। लेकिन एक प्रश्न और आजकल बन के आता है कि ये पूछा जाता है कि इन गैसों में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है। तो उसमें क्या होगा कि आपका ऑप्शन होगा ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक दो गैसें मीथेन और एक दो उसमें रख देंगे। तो लोग सोचते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरे जो नंबर की जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो ऑर्गन होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। तो इस प्रकार से चीज़ों को आप लोग पढ़ा करो कि कैसे प्रश्न बनते हैं घुमा के। तो अब उसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। अब जब ये तो हो गई गैसें, अब इसमें जब प्रदूषण की मात्रा मिलती है, जो प्रदूषित गैसें होती हैं वो जब मिलती हैं, तो वायुमंडल का जो है पूरा मामला ख़राब कर देती हैं। तो बहुत सारी ऐसी गैसें होती हैं जो कारखानों की चिमनियों से, ज्वालामुखी के विस्फोट से, इनसे सब निकलती हैं, वो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं जो होता है, ठीक है, और मीथेन। तो ये सब चीज़ें जो है आपको और भी वातावरण में पाई जाती हैं, और ये एक तरह से प्रदूषक का ही काम करती हैं। जब हम वायु प्रदूषण पढ़ेंगे तो इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं उतना नहीं बता रहा, क्योंकि मैं इस बायोलॉजिकल फैक्टर, सॉरी, ये क्लाइमेटिक फैक्टर की जो है एक तरह पढ़ा रहा हूँ इनको। लेकिन जब मैं इनको पढ़ाऊँगा प्रदूषण में, वायु प्रदूषण में, तो इनके बारे में और पढ़ाऊँगा डिटेल में, और इनसे क्या क्या हानियाँ होती हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रही अब गैसों का, जो आपको पता होगा कि जो गैसें होती हैं दोस्तों वो आप, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ये कि वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है, इसे इसको मैंने रेड कर दिया है, तो आप उसमें हमेशा याद रखना मेथेन, ठीक है, मेथेन आपका होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपका ये प्रश्न अक्सर बनता है परीक्षाओं में, ओके। तो ये एक तरह से वायुमंडल की अशुद्धियाँ हैं। अब देखा जाए तो दोस्तों, जो गैसें होती हैं उनका चक्रीकरण भी होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी गैस ऐसी नहीं है कि ख़त्म हो गई, ठीक है, वो किसी न किसी रूप में बदलती रहती है और उनका वापस में फिर आती रहती है। तो जो ये तीन इम्पॉर्टेंट गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनका जो है चक्रीकरण होता रहता है। तो जिस प्रकार से नाइट्रोजन का जो है प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में होता है, तो इसलिए मैंने इसको रेड किया है, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, कि नाइट्रोजन का प्रयोग कहाँ पे होता है, प्रोटीन संश्लेषण में भी, ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भी होता है इसका, नाइट्रोजन का प्रयोग, ठीक है। तो और जो जल वाष्प का जो प्रयोग होता है वो जैविक क्रियाओं में होता है, ये आपको पता ही है। तो आपको ऑक्सीजन का प्रयोग सांस लेने में हम करते हैं, वो पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में पौधे करते हैं। तो जो ये तीन गैसें हैं, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है, लोग इसको बहुत ख़तरनाक मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में।
अब हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्तर बढ़ चुका है, तो उस वजह से ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आ रहा है। वो चीज़ें आपको मैं बाद में बताऊंगा जब मैं आपका वायु प्रदूषण और भी जो बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन वाले जो चैप्टर होंगे उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी तक यहीं पे कि जो नाइट्रोजन का प्रयोग प्रोटीन संश्लेषण में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकाश संश्लेषण में, और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है सांस लेने में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्थलाकृति कारक ट्रोपोग्राफिकल फैक्टर की। ट्रोपोग्राफिकल फैक्टर्स में आपको पता है अभी हम क्लाइमेटिक फैक्टर पढ़ रहे थे, ट्रोपोग्राफिकल फैक्टर में क्या होता है दोस्तों कि स्थान की ऊंचाई हो गया, भूमि का ढलान हो गया, खुलाव हो गया, ये सब चीज़ें जो है जीवधारियों के विकास में और उसमें जो है महत्वपूर्ण कारक हैं। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो पहाड़ों पर जो है प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इसको जो है नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, तो यही नॉर्मल लैप्स रेट होता है कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर आपकी गिरावट हो जाती है। इसलिए हिल स्टेशन पर जाते हो आप लोग तो वहाँ पर सर्दी का मौसम होता है। भूमि का ढलान भी एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ढलान का प्रभाव जो है वहाँ की वनस्पतियों पर पड़ता है, ठीक है। ढलान की दिशा भी किस प्रकार की है वो भी इसमें फर्क पड़ता है, दक्षिण की ओर है तो उस पर अधिक सघन, ठीक है। तो ये चीज़ें जिससे कि आपका हुआ कि मान लो भूमि का ढलान जिस प्रकार है तो उधर से ही पानी ज़्यादा जाएगा उस तरफ, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा पानी वाले पौधे उगेंगे, और ऊपर साइड में क्या होगा कि कम पानी वाले पौधे उगेंगे। तो इस तरह से भूमि का ढलान भी आपका एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। उसके बाद खुलाव, जो स्थान खुले हुए होंगे वहाँ पे सूर्य का प्रकाश तथा वायु ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पे जो वनस्पतियाँ या जीवधारी रहेंगे उन पे अलग प्रभाव पड़ेगा बंद जो है बंद जगहों पे रहने से, ठीक है। ये नेक्स्ट आपका इसके बाद जो कारक है वो मेन कारक होगा आपका मृदा, लेकिन इसको जो है मैं बाद में कवर करूँगा क्योंकि इसमें ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ भी पढ़ेंगे कैसे मिट्टियों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न में निकलते हैं, तो इसको मैं अलग से कवर करूँगा मिट्टी का एक चैप्टर बना के, ठीक है। और सॉइल प्रोफाइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लें, मोस्टली जो लोग अभी देख रहे हैं तो वो तो ऑलरेडी सब्सक्राइब ही हैं, ठीक है। बेल बटन ज़रूर दबा दें, और आशा करता हूँ कि आप लोग नोट्स बना रहे होगे, क्योंकि कोर्स पूरा कवर करूँगा मैं, तो आप लोग नोट्स बनाते रहो, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, ऐसे ही देखने से। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम होगा तो यू विल रियली फील कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन निकल के आए हैं। क्योंकि क्वेश्चन इसलिए निकल के आएंगे क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ छोड़ ही नहीं रहा हूँ, सब कुछ पढ़ा ही दूंगा तो कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ऐसे ऊपर ऊपर का पढ़ा रहा होता तो निकल के आते वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ पढ़ाया जाएगा तो आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, बस आप जो मैं बोलता हूँ उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब इसके बाद बायोटिक फैक्टर्स देख लेते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर देख लिए हमने, ट्रोपोग्राफिकल फैक्टर देख लिए, अब बायोटिक फैक्टर मतलब जैवीय कारक। अब जैविक कारक में क्या होता है, पौधे तथा जंतुओं में पारस्परिक संबंध देख लेते हैं। तो जो जैविक कारक है उसमें तो आपको पता ही है हमेशा कि हरे पौधे होते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक जिनको बोलते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन बनाते हैं, और जो उनके जंतु होते हैं जैसे हम लोग हैं उनसे भोजन लेते हैं और कंज्यूमर बन जाते हैं, उपभोक्ता, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। उसके बाद जो मांसाहारी लोग होते हैं उनको द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये फूड चेन बनती है। तो फूड चेन के बारे में नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फूड चेन डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे किस प्रकार के जल को अवशोषित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब पौधे होते हैं तो वो जो यहाँ पे ऑप्शन है आपका गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल या क्रिस्टलीय जल। तो जो केशिका जल होता है, जो मिट्टी होती है उसकी जो कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे जो जल होता है उसको पौधे लेते हैं, ठीक है। नीचे से नहीं कि पाताल से बहुत गहराई से नहीं लेते, ठीक है। जो मिट्टी के जो कैपिलरीज होती हैं केशिका, उससे जो है जल लेते हैं पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। मैंने आपको बताया था इकोसिस्टम, हालांकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है, एक तो क्लास में नेक्स्ट में आपको इकोसिस्टम पढ़ाऊंगा। तो इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, हालांकि इकोसिस्टम तो छोड़ दो, किसी भी इकोसिस्टम में और वो पूरे विश्व में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। क्योंकि सूर्य की ऊर्जा से ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो कि भाग लेता है, और वहीं से बेसिकली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं भोजन बनाते हैं, उसी पे पूरी दुनिया डिपेंडेंट है, ठीक है।
तो ये थे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का मूल संघटक नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण का मूल संघटक नहीं है? तो मैंने बताया था पर्यावरण के तीन कंपोनेंट होते हैं, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन चौथे में लिखा हुआ है स्थानिक, ये कोई संघटक नहीं है। ठीक है, तो आपके तीन संघटक होते हैं कंपोनेंट पर्यावरण के, जैविक, अजैविक और ऊर्जा। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की पाई जाती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? 21% के आसपास ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम और फूड चेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। ठीक है, अभी तो उतने इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं थे अगर देखा जाए तो, प्रकाश संश्लेषण ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन ये दो जो टॉपिक होंगे इकोसिस्टम और फूड चेन, यहाँ से हर एक साल क्वेश्चन निकल के आते हैं। घंटी दबाओ, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं भी और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।